नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल राइडर अमित में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित झा। तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसा है कि मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से DTO ऑफिस से कॉल आया हुआ था कि आप अपनी गाड़ियों को कृपया इलेक्शन ड्यूटी के लिए दें, जिसके लिए मुझे DC ऑफिस जाना है उनसे मिलने। और उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि सर, मैं गाड़ियों को स्कूलों में चलाता हूँ, तो मैं इतना जल्दी आपको गाड़ी नहीं दे सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो बात दरअसल ऐसा है कि मैं बोकारो स्टील सिटी पहुंच चुका हूँ, डी टी ऑफिस बोकारो स्टील सिटी में ही है, चास के नज़दीक। और मैं अभी सेक्टर 9 पार कर रहा हूँ। सबसे पहला काम मुझे DTO ऑफिस जाना है। देखते हैं कि साहब लोग मेरे से रहम करते हैं या नहीं। दो दिन के लिए गाड़ी चाहिए थी, मंडे एंड ट्यूजडे, जिसके लिए वो हमें बुलाए थे। तो मैंने तो उनको अभी गाड़ी में कुछ काम हो रहा है तो मैं नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में मैं आपको दूसरी गाड़ी दे दूंगा। लेकिन दूसरी गाड़ी का भी अरेंज नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा जो काम है कोचिंग में बच्चों को लाना, स्कूल में बच्चों को लाना, दोबारा घर में एक टीचर को लेके जाना, ये सारा दिन जो मंडे से ऑन है, तो मैं उनको गाड़ी नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं उस गाड़ी को ठीक करवा दूंगा आज कि भाई इलेक्शन के टाइम मैं गाड़ी अवश्य दूंगा, उसका PS मैं करवा लूंगा। ये देखिए DDS का साइड वाला गेट, छोटा गेट है, DDS बोकारो जनरल हॉस्पिटल। सेक्टर 4 मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये मेरे सामने रही टाटा मोटर की ट्रक। रास्ता तो शोरूम, टाटा मोटर की शोरूम है ये, यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों का ये डीलरशिप है। बोकारो में टाटा मोटर की और एक डीलरशिप है, वो है कमर्शियल गाड़ियों का, जिसका नाम JMA स्टोर है।
चारों डीपीओ ऑफिस के परिसर में पहुंचने वाला हूँ और मुझे जाना है परिवहन विभाग में, जहाँ इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी में बैठे हुए हैं गाड़ियों के लिए लेखा जोखा करने में। देखते हैं कि साहब मेरे पे रहम करते हैं या नहीं। भाई हम लोग तो कमर्शियल गाड़ी को लेके कमर्शियल यूज करते हैं। भाई पहले समय से पहले उन लोगों को पकड़ा जाए, मेरा ऐसा सुझाव है कि जो लोग निजी रजिस्ट्रेशन के वाहन को लेके कमर्शियल में यूज करते हैं, मेरे समझ से पहले उनको पकड़ना चाहिए। अरे हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो रहेंगे ही, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी हम लोग घर में रखने के लिए चल रहे हैं, हम लोग को पैसा चाहिए। घर हम लोग परमानेंट किसी चीज से जुड़े हुए, जैसे कि कुछ लोग किसी कारखानों में दिए हुए हैं लीज पे गाड़ी, कुछ लोग स्कूलों के से जुड़े हुए, कुछ लोग कोचिंगों में जुड़े हुए। तो मेरे समझ से हम लोगों के साथ ऐसा जाति नहीं करना चाहिए, ये ऐसा मेरा सुझाव है। अगर मैं कुछ गलत बोल चुका हूँ तो मुझे क्षमा करें। मैं अभी समय के लिए अपना मोबाइल गोपो बंद कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित झा, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल राइडर अमित में। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, कारण बहुत है, कुछ अपनी दिनचर्या में व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो अवश्य डालूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। करो जाने के क्रम में आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, परिजनों और मित्रों के साथ।